अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं खोया पनीर। इसके लिए मैंने ये पनीर लिया है, ये 500 ग्राम है लगभग। इसको हम किनारे कर देंगे। ये मैंने ग्रेवी का सामान लिया है पनीर की। ये जो है 6 है मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने 4 हिस्सों में काट लिया है। ये मैंने 4 लिए टमाटर मीडियम साइज़ के हैं। ये 5 हैं हरी मिर्च। इन सबको हम बॉयल कर लेंगे। चलिए बॉयल कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये 2 मिनट में बॉईल हो जाएंगे। इसकी गैस ऑफ कर देंगे फिर हम। ये देखिए हमें ये हमारी जो है ये टमाटर और प्याज बॉईल हो चुके हैं। ये देखिए टमाटर की स्किन निकलने लगी है। अब इसको हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको हम छान लेंगे। ये देखिए टमाटर बॉयल हो गए। अब इसकी हम ऐसे सारी स्किन निकाल लेंगे टमाटर की, किनारे कर देंगे ये सारे टमाटरों की इस तरीके से। देखिए टमाटर हमने इसके छिलके निकाल दिए हैं और ये प्याज भी ठंडा हो गया है। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर जार में डालकर। ये देखिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसमें हमने डाल दिया है 150 ग्राम करीब ऑयल। इसको गर्म करेंगे। गर्म हो रहा है। ये देखिए हमारा ऑयल गरम हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 3 तेज़पात, ये 2 जो हैं दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची और ये 3 लौंग, ये डालेंगे। ये सॉटे हो गई हैं। अब इसमें हम अपना जो ये हमने जो है पीस के रखा था टमाटर और ये प्याज, ये हम इसमें डाल देंगे। इसको हम अच्छे से भून लेंगे पहले, फिर इसके बाद हम स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें। इसमें हम डाल देंगे ये 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी साथ में अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए ये ग्रेवी ये 80% तक भून गई। अब इसमें हम थोड़े स्पाइसेस डाल देते हैं। इसमें डालेंगे ये 2 चम्मच ये धनिया है, पिसा हुआ धनिया, ये हल्दी है, ये है 1/2 चम्मच से कम हल्दी है, ये 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, ये 1.5 चम्मच नमक है और ये 1 चम्मच पनीर मसाला है और ये 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर है। अब इन सब चीज़ों को डाल के हम साथ में अच्छे से भून लेंगे। और ये देखिए हमारा ये मसाला भून गया है। अब इसमें हम खोया ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, यानी हमारा मसाला भून गया। अब इसमें हम खोया ऐड करेंगे। खोया हमारा करीब 200 ग्राम है। अब इसमें हम पनीर ये डाल देंगे। ये पनीर हमने जो है 1-1 इंच का काट लिया था और इसमें हम पनीर डाल देंगे। पनीर डालकर हम इसको 2 मिनट तक के पका लेंगे। ये देखिए हमने पनीर डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके डाल देंगे। खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। इसमें कुछ हम काजू डाल देंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे। इसको हम 2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे पकने के लिए। ये हमारा खोया पनीर तैयार है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए हमारा खोया पनीर तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करें।